नमस्कार दोस्तों, जय सियाराम, जय बागेश्वराय धाम, जय बालाजी महाराज की जय। आज हम जा रहा है बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की दर्शन करने। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बागेश्वर धाम कहां पर है, बागेश्वर धाम कैसे जाए, बागेश्वर धाम में कहां रोके, साथ में बागेश्वर धाम की संपूर्ण दर्शन करेंगे। अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर से 22 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 39 पर गंज नामक छोटे से कस्बे से 3 किलोमीटर अंदर गड़ा गांव में बागेश्वर धाम बालाजी का मंदिर है। बागेश्वर बालाजी की दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से बागेश्वर धाम आते हैं। आइए बागेश्वर धाम जाने की रास्ते के बारे में पता करते। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में आता है। यहां पर आप बस, ट्रेन, हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुँचना होगा। छतरपुर से NH 39 पन्ना छतरपुर मार्ग से 28 किमी दूर गंज टावर नामक स्थान पर उतर कर टैक्सी या ऑटो के माध्यम से 3 किलोमीटर अंदर गड़ा गांव बागेश्वर बालाजी की मंदिर पहुँच सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए भारत के किसी भी राज्य से छतरपुर आ सकते हैं। उसके बाद बस से बागेश्वर धाम जा सकते हैं। हवाई मार्ग से बागेश्वर धाम आने के लिए सबसे पहले खजुराहो एयरपोर्ट पर आना होगा। खजुराहो एयरपोर्ट से आप आसानी से बस के माध्यम से गंज और गंज से टैक्सी के माध्यम से गड़ा गांव पहुँच सकते हैं। इसी तरह आप भारत के किसी भी राज्य से बागेश्वर धाम आ सकते हैं। बागेश्वर धाम पहुँचने के बाद सबसे बड़ा सवाल है बागेश्वर धाम पे कहाँ पर रोके। देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम में रोकने के लिए बहुत सारा ढाबा वगैरह बनाया गया है जहाँ पर आप लोग रोक सकते हैं। आप लोग फैमिली के साथ आते हैं तो आप लोगों को रूम वगैरह मिल जाएगा। चार्जेस की बात करो, जो भी आप लोग रूम किराए में लेते हैं एक दिन का 400 से 500 रुपये लग जाएगा। दोस्तों, जो भी आप सिंगल है तो फिर आप हॉल में रोक सकते हैं। हॉल में गद्दा सिस्टम है, गद्दे का चार्जेस 100 रुपये लेता है एक गद्दे का। आप दोस्तों बात करते हैं बागेश्वर धाम में खाने पीने का क्या व्यवस्था है। देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम में खाने के लिए बहुत सारा होटल वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर निःशुल्क भंडारा की व्यवस्था भी होता है बागेश्वर महाराज के द्वारा। प्रतिदिन वहाँ पे अनलिमिटेड भंडारा मिलेगा जहाँ पे आप लोग सुबह शाम खा सकते हैं। इस तरह से आप लोग खाने की व्यवस्था देख सकते हैं। अभी हम बागेश्वर महाराज जी की गाँव में पहुँच चुके हैं। कितना सुंदर, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ ये गाँव। गाँव के ये मनोरम दृश्य मन को छू जाता है। दोस्तों, सामने जो देख रहा है लेफ्ट साइड में बैरिकेड लगा हुआ, इधर ही बागेश्वर महाराज जी की मकान है। यहाँ से कुछ ही दूर पर बागेश्वर धाम है, इसीलिए हम गाड़ी को इधर ही रोक के पैदल जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग बागेश्वर धाम पहुँच चुके हैं। इधर इतना सुंदर दुकानें लगी हुई है, ढेर सारी दुकानें लगी हुई है, आप मनसाए सामान खरीद सकते हैं इधर। सामने देखिए, इधर होटल भी लगा हुआ है, आप मन चाहे खाना खा सकते हैं इधर। आप बात करते दोस्तों, बागेश्वर धाम आने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा है। बागेश्वर धाम आने के लिए आप कभी भी आ सकते हो। जब भी आप बागेश्वर धाम आएंगे आपको भीड़ ही मिलेगा, इसलिए आप अपनी अनुसार कभी भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो दिन है मंगलवार और शनिवार, उसी दिन पेशी होता है, आपका एक पेशी भी काउंट में आ जाएगा। इसी दिन लाखों के हिसाब से श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी भीड़ होता है बालाजी की दर्शन करने के लिए, इसीलिए आप अपने हिसाब से कभी भी आ सकते हो। यहाँ से आगे की तरफ हम अभी बालाजी की मंदिर की तरफ जाएंगे, इसीलिए जूता खोल के हमारे को जाना पड़ेगा। इसीलिए इसी दुकान में जूता रख के अभी हम आगे की तरफ जाएंगे। दोस्तों, जूता खोल के हमने रख दिया, अभी बालाजी के दर्शन के लिए हमने नंगे पैर आगे की तरफ चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ढेर सारी दुकानें लगी हुई है, आप अपनी मनपसंद का सामान इधर से खरीद सकते हैं।
फाइनली दोस्तों हम लोग बालाजी महाराज का मंदिर का द्वार पर पहुंच चुके हैं। अभी हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ आके मन को सुकून मिली, दिल को शांति प्राप्त हुई। चलिए दोस्तों अभी हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। देखिए दोस्तों चारों तरफ श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। सभी श्रद्धालु अपनी अपनी अर्जी लेके भगवान के पास आए हैं। बागेश्वर धाम पर सभी अपनी अपनी अर्जी रखेंगे बागेश्वर बालाजी के पास। अभी हम बालाजी की धाम को नमन करते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे। चलिए दोस्तों अभी हम बागेश्वर धाम बालाजी की दर्शन करते हैं। देखिए दोस्तों सभी भक्तों अपनी अपनी अर्जी लगा रहा है भगवान के पास, बागेश्वर धाम बालाजी के पास। लाल कपड़ा में नारियल को बांध के प्रसादी चढ़ा के अपनी अर्जी लगा रहा है। भगवान से माफी। ये दोस्तों चारों तरफ भक्तों की कितना भीड़ है। सभी भक्तों अपनी अपनी समस्या लेकर आया बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों पे अपनी अपनी समस्या के हाल के लिए। देखिए दोस्तों ये बागेश्वर धाम बालाजी की मंदिर है। बागेश्वर धाम बालाजी के मंदिर के ठीक सामने शंकर भगवान की मंदिर है और साथ में सन्यासी बाबा की समाधि स्थल है। फाइनली दोस्तों हमने बागेश्वर धाम बालाजी की दर्शन कर लिया। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में सीताराम जरूर लिखिएगा। जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर महाराज की जय।